नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। लहरिया सराय पुलिस लाइन में एक सप्ताह तक चले पुलिस सप्ताह का आज समापन हो गया। 22 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित पुलिस सप्ताह के आखिरी दिन दरभंगा प्रत्यक्ष के आईजी पंकज दराज ने पैरेड की सलामी ली और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में आईजी ने कहा कि पुलिस का व्यवहार आम जनता के साथ सदैव मित्रवत एवं सम्मानजनक होना चाहिए। उन्होंने कर्मठ पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित पत्र एवं नगद राशि के पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर दरभंगा तथा पूर्णिया के पुलिस कप्तान, दरभंगा क्षेत्र के डीआईजी तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। एसएसपी दरभंगा श्री सतवीर, एसएसपी पूर्णिया श्री निशांत तिवारी, एडिशनल एसपी दरभंगा श्री दिलनवाज तथा उपस्थित तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मियों, पुलिसकर्मी, प्रेस से के हमारे साथीगण और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज पूरे बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया गया और इस पुलिस सप्ताह के दौरान पटना मुख्यालय के साथ साथ सभी जिलों में अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें पुलिस के तरफ से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पे जो पुलिसिंग से संबंधित है उस पर चर्चा और परिचर्चाएं हुई हैं। अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, जैसे पुलिस का बैंड शो पटना में, डॉग शो, आर्म्स एम्युनिशंस और हथियार का डिस्प्ले पब्लिक के को ये बताने के लिए कि पुलिस कि क्या काम धाम है और पुलिस एक इरादा रखता है कि पब्लिक से ज़्यादा जुड़ें। मगर पुलिस सप्ताह का आयोजन मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया जाता है कि हम पुलिस के काम धाम पर एक मंथन करें कि पुलिस में क्या काम धाम हुए, क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं,
और क्या चुनौतियां हैं जिनका हमें आगे सामना करना है, और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, और उसमें अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसका कैसे निराकरण करते हुए बेहतर पुलिसिंग पूरे राज्य के लिए हम दें। साथ ही साथ एक मौका होता है जिसमें हम पुलिस के कर्मियों का, पुलिस के अधिकारियों का और जनता का सम्मान करते हैं, जो बेहतर पुलिसिंग में बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हिस्सा लिया है उनको सम्मानित भी करते हैं। इस दौरान पटना में पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें नागरिकों ने अपराध नियंत्रण में, आसूचना प्रदान करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी प्रक्रिया में ये संभव नहीं था कि सभी पुलिस कर्मियों को पटना में ही पुरस्कृत किया जा सके, और ये निर्देश था कि जोनल स्तर पर जोनल आईजी सहयोगी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करें। यह एक अत्यंत खुशी का क्षण है मेरे लिए भी, और सभी पुलिसकर्मी जो पुरस्कृत हो रहे हैं, और सभी पुलिसकर्मी जो इच्छा रखते हैं कि बेहतर काम करें और अगला वर्ष पुरस्कृत हो। पटना में इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके कर कमलों से पुरस्कार वितरण हुआ था, जो काफ़ी हर्ष का विषय था, गौरव का क्षण था हम पुलिसकर्मियों के लिए। उन्होंने समय निकाला और वो हर साल जरूर आते हैं और पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने अपने संभाषण में बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस पर उन्हें बहुत भरोसा है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि चंद पुलिसकर्मी पुलिस का नाम बदनाम करते हैं, तो ये जो उनके संवाद थे इसको हम लोगों को गहराई से सुनना और समझना है कि हम कैसे बेहतर पुलिसिंग दे सकें, ऐसी पुलिसिंग जिसमें अपराध नियंत्रण में हो, अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण हो और अपराधियों को हम सजा भी दिला सकें। एक प्रोफेशनल पुलिसिंग प्रिवेंटिव पुलिसिंग इन्वॉल्व करता है कि कैसे घटना से पहले हम उसे सूंघ लें कि क्या होने वाला है, और उसके बाद अगर कोई घटना घटती है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं और हमारा अनुसंधान कैसा होता है, और पकड़े गए अपराधियों को हम सजा कैसे दिलाएं, ये पूरी जिम्मेवारी हर एक पुलिसकर्मियों की है। और इस पूरे प्रक्रिया में हम सब पुलिसकर्मी राज्य के अच्छा काम किए हैं, मगर हमारे लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं और भी बेहतर हमें काम करना है। मब्बी ओपी अंतर्गत बैलौना चौर के अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लगभग 30 वर्षीय महिला के शव को देखने से प्रतीत हुआ कि शायद गला घोटकर इसकी हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। गांव के सरपंच अमरनाथ खाने ने इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी।
यहाँ पर लाश पाया गया है। जी जी, हमको भी सूचना मिला मोबाइल द्वारा कि आपके पंचायत में, हमारे ही पंचायत में पड़ता है, इस पंचायत के हम सरपंच भी हैं। कौन पंचायत है? सीसो पश्चिमी पंचायत के, ये बेलौना चौर हुआ। आके देखे तो लोकल लड़की नहीं है और जवान उसका निकला हुआ है, गला में भी हरा दुपट्टा है। तो इससे ये पूरा साबित होता है जो वही दुपट्टा से उसका गला घोट करके मार दिया। क्या आपको लगता है? हमको लगता है जो ये इसका इज्जत लूट करके और गैंग रेप करके इसको मार दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरमान खान हुआ, सीसो पश्चिमी सरपंच सचिव सदर प्रखंड। बहुचर्चित दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में लिप्त 14 लोगों में 4 लोगों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है व्यवहार न्यायालय की ओर से। अपर न्यायाधीश पंचम रूपेश दुबे ने सुबोध दुबे, टुन्ना झा, अंचल झा एवं ऋषि झा को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया है, जबकि बाकी अन्य 10 को दोषी पाते हुए कारागार भेज दिया गया है और सजा का ऐलान 7 मार्च को होगा। जबरदस्ती रूप से क्रिमिनल बनाया जा रहा है, हम लोग निर्दोष होकर के इसमें सजा करवाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और एक नया पीढ़ी को क्रिमिनल बनाने का इससे बढ़िया तरीका और दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण होने के कारण हम लोगों को इतना टॉर्चर किया गया है पुलिस के द्वारा। हुआ है उसमें क्या क्या कोर्ट ने कहा है? कोर्ट ने 4 अभियुक्तों ऋषि झा, अंचल झा, टुन्ना झा एवं सुबोध दुबे को सभी आरोपों से दोष मुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया है। शेष अभियुक्तों को 302, 109, 120 बी के अंतर्गत दोषी पाए।
इसमें वैसे कितने लोग हैं जो जमानत पर थे और कितने ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर ही चल रहा था ट्रायल? इसमें जमानत पर एक अभिषेक झा, पिंटू तिवारी, मुन्नी देवी और पिंटू लाल देव जमानत पर थे जिन्हें दोषी पाया गया। ये बताइए कि मामला कौन सा था और अपन कोर्ट ने इसको किस तरह से देखा है पूरे मामले को? मामला 26 दिसंबर 2015 का था जब रोड निर्माण करवा रही कंपनी BSC, CNC, JV के दो अभियंताओं की हत्या हुई थी और इसी के घटना को लेकर बहेड़ी थाना कांड संख्या 270-15 दर्ज किया गया था, उसी में यह फैसला हुआ है। तो ये बताइए आप इस फैसले को लेके आपको क्या लगता है, किस तरह का फैसला आपके लिए क्या है, किस तरह का फैसले से आहत हैं लेकिन न्यायालय के निर्णय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। इस फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग अपनी बात रखेंगे। सजा कब सुनाया जाएगा? सजा के बिंदु पर सुनवाई 7 तारीख को होगी। 7 मार्च? 7 मार्च। नाम बता दीजिए। नाम? नाम प्रकाश स्वरूप सिंह। खतरा हुआ उसमें कुछ लोगों को सजा हुई है, 4 भी रहा हुआ है। आगे क्या होगा परिणाम पर? आगे अपील करेगा लोग। ये केस जो है बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट केस था। जो लोग थे इस केस के मुद्दे हैं तो मामूली आदमी नहीं थे। पुलिस ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया है, बहुत गवाह के पीछे दौड़े है, सब कुछ किया, तब इतनी हद तक कामयाबी हो सकी। जो कुछ फैसला अभी है, अभी हम फैसला देखा नहीं है और मेरे समझ से देखने के बाद हम कुछ कहेंगे, लेकिन फैसला सही। 4 लोगों का रिहाई हुआ उसमें क्या कहना है? 4 लोगों को रिहाई हुआ, अभी हम फैसला देखे नहीं, इसे उसके रिहाई गलत है या सही अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। अगला मुकेश पाठक को लेकर क्या कहा है कोर्ट ने? खास उनके अगर बात हो, संतोष गैंग के लीडर हैं, उनको लेकर किस तरह की, उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? अभी तो जब तक कि कोर्ट सजा नहीं कर दी, कितना सजा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पहले कहना जो है मुनासिब नहीं है। जो चीज़ सब जुडिस है उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। हमें लगता है कि आप अपनी आपके हिसाब से नहीं उसमें, यानी चूंकि ये गलत हो जाएगा अगर हम कुछ अपने हिसाब से बोलें, कोर्ट अपने हिसाब से ऑर्डर करे तो गलत हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ही को तय करना है कितना सजा देंगे नहीं देंगे, वही हम लोग मानेंगे। संतोष झा की जो बहन थी मुन्नी देवी, वो जमानत पे चल रही थी, उसकी भी गिरफ्तारी, तो कैसे ये संभव हो? क्या उन पर चार्ज है कि वो किन्ने को सहयोग किए, उनका कुछ चिट्ठी भी बरामद हुआ, इसी वजह से उसका उनको 120B में अगर सजा किया गया। ठीक है, यही जानना चाह रहे कि संतोष झा और मुकेश पाठक पर क्या आरोप है, सिद्ध हो पाया आपने किया? कल बतलाएंगे, अभी हम फैसला पढ़े नहीं। सजा का डेट कब मुकर्रर हुआ है? 7 को तो हम 7 को आप सब बात पूछ लेंगे, अभी फैसला पढ़े नहीं है। अभी आप लोग संतुष्ट हैं जो फैसला आया उससे? हम लोग तो जब तक हाईकोर्ट में अपील नहीं करें उससे संतुष्टि रहेंगे। अगर हमारी संतुष्टि नहीं होगी तो हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे उसके खिलाफ। उन 15 अभियुक्तों का लगातार डे टू डे बेसिस पर ट्रायल कम्प्लीट हुआ है आज, और उसमें आज जजमेंट की तिथि निर्धारित थी। इस दौरान 10 अभियुक्तों को, जितने भी मुख्य रूप से गैंग के सरगना हैं, गैंग के शूटर्स हैं, सभी पर सभी को दोषी करार दिया गया है। 4 अभियुक्त को रिहा किया गया है इस केस में और इन सभी के सजा के बिंदु पर सुनवाई 7 मार्च को होने वाली है। और सभी अभियुक्त, जितने भी 10 अभियुक्त हैं, जैसे संतोष झा, संजय लाल देव, पिंटू लाल देव, मुन्नी देवी, पिंटू तिवारी, पिंटू झा, विकास झा, निकेश दुबे, मुकेश पाठक, अभिषेक झा, ये सभी अपराधियों पर 302 और 387, 386, 120B के तहत सज़ा सुनाई गई है, तो जिसमें कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होनी है और अधिकतम फांसी की सज़ा भी हो सकती है। उसके लिए तिथि 7 मार्च को निर्धारित की गई है। ये पुलिस के लिए एक मॉरल बूस्टअप का काम करेगा कि पुलिस ने अच्छा अनुसंधान किया और इसमें अपराधियों को सजा दी। विगत दिनों पहले अलगपट्टी स्थित डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा संचालित स्टोन क्लिनिक पर जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्लिनिक संचालन के गुंडों ने हमला कर दिया था।
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जनाधिकार पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आईएमए भवन में डॉक्टर रमन शर्मा समेत कई डॉक्टरों से मिले और फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित करने की मांग की है। मौके पर एएसपी दिलनवाज अहमद भी मौजूद थे। सुंदर आचरण से ही समाज बनता है और एक डॉक्टर का जो विनम्र चेहरा है, एक डॉक्टर का जो निर्मल मन है, यदि उसका एक विनम्र और निर्मल मन एक आम मतलब एक मैं यह कह सकता हूं वो किस परिस्थितियों में काम करता है, सारे तरह की परिस्थितियां उसके चीजों पर होती है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन के साथ गलत करना नहीं चाहे क्योंकि वो उस प्रोफेशन से जीता है। जो उस प्रोफेशन से जीता है वो अपने रेस्पेक्ट पर आंच आए इसको जान के नहीं करना चाहे। अभी हम कुछ दिन पहले एक और लेडीज के साथ छेड़खानी भी थी तो हम परसों वहां गए थे पटना में, हमने राकेश जी से बातचीत की, हम बैठे हॉस्पिटल से सब भाग, हमने बैठे हम राकेश जी हम दोनों आदमी बैठे, स्टाफ ने छेड़खानी की लेडीज के साथ छेड़खानी की, भाई साहब आप लोग यहाँ हमसे बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं भाई भी हैं, मेरा कई बार मैंने कहा आईएमएस से कि भाई आप सही डॉक्टर कौन है उसका एक लिस्ट आप जारी कर दीजिए। सर आईएमए सही डॉक्टर का लिस्ट जारी क्यों नहीं, जब सही डॉक्टर का लिस्ट आप जारी कर दीजिएगा तो फिर गलत डॉक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का और हाईकोर्ट का आदेश है कि फर्जी डॉक्टर या जिस भी किसी भी क्लिनिक का क्लिनिकल एक्ट के तहत यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यदि किसी प्रदूषण सर्टिफिकेट उस क्लिनिकल के पास नहीं है, डिस्ट्रॉय सर्टिफिकेट नहीं है, अब आपके पास एनेस्थेसिया है नहीं और आप कोई आपके डॉक्टर सर्जरी करेंगे आप खुद ही कहेंगे ये गलत है, रेडियोलॉजिस्ट है नहीं आपके पास और आप उस तरीके की चीजों को सर्कमस्टांसेस को चलाएंगे बगैर रेडियोलॉजिस्ट के भेजे किसी चीज को आप खुद ही कहेंगे नहीं ये गलत है बिल्कुल। मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन नेपाल के राष्ट्रपति परमानंद झा ने किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने की जबकि आगत अतिथि का स्वागत डॉक्टर रूपामणी सिंह ने किया। मंच संचालन डॉक्टर विजय मिश्रा तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनीश अहमद ने किया। विदित हो कि प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्र तथा डॉक्टर एके गुप्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।
get on to a, when I entered the hall, I could see on the backdrop, get on the work, keep working, don't stop, and the success will become an imminent, you can say, outcome. So first of all, we will have to don't think about the constraints and limitations, just start working on the good path. And if you keep on working, keep on moving, the success will be yours. Nobody can stop you from getting the success. This alumni meet, which I personally feel, is not just a time or platform. Walk down to your memory lane, revisit your campus, meet your old friends, and live those moments which you had lived quite in the past. But it is also for getting the alumni involved in the governance of the institution and also in the developmental and the growth process of the institution. किलाघाट मिलन चौक तथा निकटवर्ती क्षेत्र के छात्रों को अब कोचिंग के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। नव स्थापित कोचिंग सेंटर में वर्ग 8 से वर्ग 12 तक के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित तथा अंग्रेजी विषय की कोचिंग उपलब्ध होगी। मिलान चौक नियर SBI CSP के निकट नियर है प्रेजेंट है। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 पूर्णतः इंग्लिश मीडियम साथ ही हिंदी मीडियम की शिक्षा प्राप्त दी जाएगी। 8, 9, 10, 11, 12 CBSE बिहार बोर्ड के सेपरेट बैच होंगे और सबके सेपरेट क्लासरूम, अलग अलग क्लासरूम होंगे और सेपरेट टीचर होंगे जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और इसके फैसिलिटीज, मेरा जो कैंपस है वाईफाई कैंपस होगा, CCTV सर्विलांसेस के पूरा अधीन होगा। उसके बाद साथ ही हम लोग डॉट सेशन, बच्चे के लिए कैसे संपूर्ण विकास हो, पूर्ण विकास हो, कैसे बच्चे आगे बढ़ें। यदि बाहर से कहीं से कोई बच्चे जीरो आते हैं, मैं हीरो बना के भेजूँगा। मतलब मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। हम लोग तीन टीचर, ये मेरे मैथमेटिक्स के टीचर हूँ। क्या नाम हुआ? इमरान हुसैन। ये गोपाल कुमार। कौन विषय का टीचर है? ये फिजिक्स के। Actually, we are starting with modern technology system and teaching aids will be different from what others are giving. So we'll be using modern teaching aids as well as the application-based teaching to make the student comfortable in their own environment and teaching them in such a manner so that they can understand any subject or any topic as per the application, day-to-day life, basis examples and other things. How we are going to perform our functions in the classrooms. The classroom will be very comfortable for each and every student. We are basically focusing on the poor categories of students also, the ones who are weak learners. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा अभी तक शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संचालित हो रहा है। किसी भी परीक्षा केंद्र पर कदाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहने के कारण सभी परीक्षार्थी को अपने प्रतिभा का सही आकलन हो सकेगा।
कैसा एग्जाम रहा? अच्छा रहा। कितना का मार्क्स था? 100 मार्क्स था। कितना बनाई हो? 80-90 तक बनाई। क्या नाम हुआ? भारती खान। कौन स्कूल से हो? राजेंद्रगढ़। सेंटर कहाँ पर है? MLA कैंटीन का लेहरिया से। संस्कृत का। कैसा रहा क्वेश्चन? अच्छा था क्वेश्चन। कितना का मार्क्स था? कितना मार्क्स का क्वेश्चन था? 100 मार्क्स था। कितना बनाई हो? पूरा 100। पूरा 100 बनाई हो। क्या नाम हुआ? रितिका कुमारी सर। कौन स्कूल से हो? राजेंद्र गर्ल्स। कौन स्कूल में सेंटर पढ़ा है? MLA अकेडमी। मुखिया की मनमानी समेत अन्य तीन सूत्री मांगों को लेकर राजीव कुमार की अध्यक्षता में वार्ड सदस्य संघ का एक दिवसीय धरना समरणालय के समक्ष आयोजित हुआ। हमारे संवाददाता से बातचीत में राजीव कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना के अनुरूप अभी तक वार्ड सदस्यों को समुचित अधिकार नहीं दिया गया है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष, माननीय वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय के समक्ष एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन कार्यक्रम आहूत की गई है। इसमें मुख्यतः हमारा जो पहला मांग है, जो बहुत सारे प्रखंड में, बहुत सारे पंचायत में हमारे वार्ड सदस्यों के द्वारा प्रकलन तैयार की गई है और प्रकलन तैयार के बाद प्रशासनिक स्वीकृति भी उनको, तकनीकी स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के एवज में 30-30% कमीशन की मांग की जाती है नजराना माननीय मुखिया जी के द्वारा, माननीय पंचायत सचिव के द्वारा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। मंगलवार को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार मणिकांत झा ने की, जबकि इस कार्यक्रम का उद्घाटन अवकाश प्राप्त शिक्षक विष्णुकांत झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मैथिली साहित्यकार जयप्रकाश चौधरी के अलावा विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा समेत विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। Yeah.
गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर में पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में चुनाव आयोग के आइकॉन श्री मणिकांत झा जी, मुख्य अतिथि के रूप में मैथिली के हास्य व्यंग के शिखर पर विराजमान रहने वाले श्री जयप्रकाश चौधरी जनक जी हैं, और उद्घाटनकर्ता के रूप में उच्च विद्यालय से अवकाश प्राप्त अध्यापक श्री विष्णुकांत झा विकल जी हैं। दर्शक में हमारे इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्य हैं, शहर के विशिष्ट जन हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन सबका करता हूं, साथ ही यह आशा करता हूं कि जिस तरह होली का पर्व विभिन्न रंगों से मनाया जाता है, विभिन्न रंगों में, उसी तरह हम सब के जीवन में विभिन्न रंग सार्थक भूमिका में रहे और सबों के जीवन में आनंद का क्षण हमेशा विराजमान रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।